कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं टिक्का कढ़ाई, और तो इसमें आज हम आयशा के बाबा जो बना रहे हैं टिक्का कढ़ाई, तो देखते कैसी बनती है। तो हमने लिया 1 किलो चिकन ले ली, ठीक है, इसमें सिर्फ रान है, ठीक है। अब इसमें मसाला डाल रहे हैं, 1 पैकेट जो है वो टिक्का मसाला डाल रहे हैं। टिक्का मसाला ऐड करेंगे इसमें, थोड़ा सा चिकन पाउडर डालेंगे, ऐड करेंगे कम से कम एक टेबल स्पून चिकन पाउडर और 1 चुटकी के करीब गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें हम, और हस्ब ज़रूरत नमक ऐड करेंगे हम, आधा चाय के चम्मच हम किसी भी लाल मिर्च ऐड करेंगे, स्पून ऑयल ऐड करेंगे इसमें हम, ठीक है, और थोड़ा सा फूड कलर। अब इसको अच्छे से हम मैरिनेट करेंगे, और इसमें हम दही भी ऐड करेंगे। दही कितनी? तकरीबन 1 पाव हमने दही लिए, उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। और 2 चम्मच हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करके रखना है 2 घंटे। 2 घंटे इसको मैरिनेट करके हम रख देंगे, फिर उसके बाद हम इसको तेल में फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैरिनेशन हो गई है, अब इसको हम रख देंगे फ्रीज में। 2 घंटे हो गए हैं और अब हम पका रहे हैं। तो हमने लिया है थोड़ा सा तेल, तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे कढ़ाई में, तेल गरम करेंगे, और चिकन हमारी अच्छे से मैरिनेट हो गई है, अब इसको हम फ्राई करेंगे। डालो मसाला, भी डाल दो अब चिकन को है जो दोनों साइडों से पकाना है, 5-5 मिनट कम से कम फ्राई करना है इसको, बिल्कुल लाइट लाइट सा हल्का ब्राउन हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी चिकन जो है हाफ डन फ्राई हो चुकी है। अब इसको हम जो इसका मसाला जो बचा था हम उसको हम ग्रेवीज की तैयार करेंगे, ठीक है। अब हमारे साथ रहिएगा। तेल बचा तो उसमें हमने वो ग्रेवी डाल दी, जो बचा हुआ मसाला था अब इसमें हम चिकन भी ऐड करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी शक्ल आई है और बहुत मज़ेदार लग रहा है। यम इसको ज़्यादा नहीं पकाना, मैं थोड़ा सा पका रहा है कि बस इसको जो ऑयल इसको छोड़ दें, और मसाला तो चिकन तो वैसे ही रेडी थी, बस हल्का सा इसको पका के हम चूल्हा बंद कर देंगे। और ये हमारी चिकन हो गई है रेडी मज़ेदार, और थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड कर दी हमने। तो बस आज की हमारी वीडियो यहीं तक की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।